कंफर्म थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव रंजन है। चारबाग स्टेशन पे हैं आप, कहाँ जा रहे थे आप? हम पटना जा रहे थे। कौन सी ट्रेन थी? सरंजीवी थी, इसमें कोई गेट ही नहीं खेल रहा था। मेरा कंफर्म था S4 में, मेरी सीटें, मेरी फैमिली भी थी। इतना गेट खुलवाया, ना थर्ड एसी का, ना एसी का, ना किसी का भी गेट खुला ही नहीं। कितनी भीड़ थी, आप लोग अंदर क्यों नहीं जा पाए? इतनी भीड़ ही थी कि पूछिए मत, एकदम एक दूसरे के ऊपर आदमी था। उसके बावजूद गाड़ी लेट भी थी, एक दूसरी गाड़ी से हम आए, उसके बाद भी नहीं पकड़ पाए। पटना जा रहे थे छठ पूजा मनाने? जी जी, छठ पूजा में ही जा रहे थे। परिवार के साथ? जी, परिवार के साथ थे। जा नहीं पाए, अब क्या करेंगे? अब सर क्या करेंगे, अब कोई दूसरी गाड़ी या सुबह में होगी, अब जो होगी जाएंगे। तो सही है, मेरा कंफर्म टिकट था, तो गेट ही नहीं खोल रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात तो यही है, गेट बंद कर लिया। कोई प्रशासन है यहाँ पर कि जो है गेट खुलवाए, किसी को बैठाए, कोई सब लापरवाही है इसी तरह से। रेल हम लोग, ये क्या नाम है आपका? रामवरण यादव। आप पटना जा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था है ट्रेनों में? सर हम लोगों को कुछ व्यवस्था नहीं है, त्योहार के वजह से हम तमिलनाडु से नौकरी छोड़ के आए कि छठ पूजा देखेंगे, और यहाँ पे 3 दिन हो गया बैठे बैठे, कोई व्यवस्था नहीं है सर। ट्रेनों में देख रहे हैं भीड़ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भीड़ है। मेरा सामान है, मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ। तो अभी आप ट्रेन में बैठ पाए हैं कि नहीं? नहीं बैठ पाए। क्यों नहीं बैठ पाए सर? इतना भीड़ है कि हम कैसे बैठ पाए, आपके सामने भीड़ है। बहुत बड़ा पर्व होता है आपका भी? जी नीतीश कुमार। अच्छा आप पटना जा रहे थे छठ पूजा पर, क्या हुआ ट्रेन छूट गई आपकी? चार सर भीड़ बहुत जबरदस्त था सर, बहुत जबरदस्त। हम लोग बहुत परेशान हो गया सर, खेलते खेलते आदमी को जो परेशान हो गया सर। क्या हुआ, गेट बंद कर लिया गया था? जी गेट बंद कर लिया, अंदर से बंद कर लिया, और अंदर घुस नहीं पाए सर। कितने लोग थे आप अंदर, क्यों नहीं जा पाए सर? एक आदमी गाड़ी भराने के लिए आए, फिर मतलब कि गाड़ी धर लेते तो ठीक रहा था। सीट आपकी कंफर्म थी? नहीं, टिकट लिया था आपने? टिकट लिए थे सर, ये करवाए थे भैया। छठ पूजा है ना?